ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਾਈਵ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਹਰ ਬੁੱਧਵਾਰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕੋ। ਸੋ इस कोशिश नूं तुसीं हमेशा ही पसंद करदे हो, इस दे लई सारिआं दा ही दिलों धन्नवाद। साडे सारे ही स्पॉन्सर्स दा धन्नवाद जिहड़े साडे प्रोग्रामां नूं हुंगारा दिंदे ने ते सानूं तुहाडे रूबरू करवाउंदे ने। सो सारिआं दा ही दिलों धन्नवाद। ते जिवें सवेरे मैं तुहाडे नाल गल करके गई सी, तुहानूं दस के गई सी कि अज्ज साडे नाल शो दे विच खास शामिल होणगे डॉक्टर मुर्तज़ा। इन्हां नूं तुसीं सारे जाणदे हो ते अज्ज खास असीं शूगर दी बीमारी दे उत्ते गल करांगे ते होर भी तुहाडे जे कोई सवाल होणगे ते तुसीं साडे लाइव स्क्रीन ते नंबर आ रहे आ, तुसीं सानूं फोन करके अपना सिर्फ कोई भी तुहाडी रिलेटेड कोई तुहानूं किसी अपनी बीमारी दी कोई गलबात जानना चाहुंदे हो जां तुहाडे मन दे विच कोई सवाल आ ते तुसीं इन्हां नूं कर सकदे हो पर रिलेटेड टू कोई प्रॉब्लम। तो वैसे असी पहला अद्धा घंटा बिल्कुल नहीं कॉल्स लवांगे क्योंकि मेरी कोशिश होगी कि पहला अद्धा घंटा असी डॉक्टर साहब कोलों जानकारी लै सकीए, उस तो बाद तुहाडे सवाल होणगे, तुहाडा समा होगा। सो आओ असी इन्हां नूं जी आए करदे हां। सो डॉक्टर साहब जी आनू जी, थैंक यू, सत श्री अकाल जी। बलजिंदर थैंक यू फॉर इनवाइटिंग जी, थैंक यू फॉर योर टाइम। तो हमेशा ही तुसीं आउंदे आ जी। तो जदों असी डायबिटीज़ की गल करते हैं, शूगर की बीमारी की गल करते हैं, तो ये जे असी गल करिए तो साडे लोकां विच बहुत पाई जाती है क्योंकि असी दिल खोल के ही मिठा खाते हैं। जो डॉक्टर ही छड़ा दिंदा है फिर ही असी छड्डदे आं, पहला असी जमा ही कसर नहीं छड्डदे शूगर खाण दी। सो थोड़ा जिहा इहदे बारे अज्ज सानूं शुरू तो ही दसो कि किवें इहनूं असी रोकिया जा सकदा। इह जेनेटिक ही आ, पीढ़ी दर पीढ़ी चलदी होई रहिंदी आ। नहीं बलजिंदर, इह खाली जेनेटिक मैं सुणिआ ना, इह किते भी हो सकदी है, कदों भी हो सकदी है। तो यदा तालुक अज मैं तुहानूं एक हैरानकुन दो तीन चीज़ा दसांगा जिहदे नाल मिठे तो अलावा भी इहदा रिलेशनशिप है। जे नहीं भी मिठा खाते फिर भी हो सकदी, फिर भी हो सकदी, बल्कि फिर ज़्यादा चांसिस है इहदे होण दे। ते अज तुहानूं इन्नियां हैरान करन वालियां गल्लां आउंदे ही दस दित्तियां। मैनूं पहलां दस दो, एक तां मेरा पिंड मिठापुर, एक मैं मिठा ऊं बहुत खांदी आ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮਿੱਠਾ ਬਲਜਿੰਦਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦੱਸੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਕਾਲਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ ਬਲਜਿੰਦਰ? ਇੱਕ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਲਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਲਬਲਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੈਂਕ੍ਰੀਆਸ। ਪੈਂਕ੍ਰੀਆਸ 'ਚ ਦੋ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਲਫਾ ਸੈਲ, ਬੀਟਾ ਸੈਲ। अल्फा सैल जड़े होंदे ने वो जिन्नी इंसुलिन बनती है जिसम च ओनू पोटेंट ते इंपोटेंट करते हैं जी। जड़े बीटा सैल्स होंदे ने वो इंसुलिन पैदा करते हैं। जदों तुहानूं शूगर हो जाती है उदों तुहाडे मोस्टली बहुत सारी चांसिस होंदे ने कि बीटा सैल्स डैमेज होए ने और वो पूरी इंसुलिन पैदा नहीं कर रहे। जदों इंसुलिन पैदा करते हैं तो तुसीं जिन्नी भी शूगर इनटेक करते हो, ग्लूकोज इनटेक करते हो, वो इंसुलिन जाके उन्हों मैटाबोलाइज करके एनर्जी च कन्वर्ट कर देती है। लेकिन जदों बीटा सैल्स पूरी तरह काम नहीं करते पैंक्रियास दे, तो वो शूगर कन्वर्ट होके एनर्जी च ट्रांसफर नहीं होंदी, उहदा मैटाबोलिजम नहीं होंदा। फिर उहदा एक ही हल है कि या तो तुसीं गोली खा के वो जिहड़े पैंक्रियास दे बीटा सैल्स ने उन्हां नूं ऑर्डर्स पास करो कि तुसीं होर इंसुलिन पैदा करो। वो इंसुलिन जदों सपोज तुहाडे बॉडी के अंदर 100 बीटा सैल्स ने, होंदे तो मिलियंस ने, मैं वैसे दस रहा, अगर 100 बीटा सैल्स ने वो नॉर्मल वर्क कर रहे हैं, नॉर्मल इंसुलिन पैदा कर रहे हैं, तो तुहानूं गोली की जरूरत नहीं। जदों वो 80 या 70 रह गए तो तुहाडी वो 100 वाला काम हुण 70 कर रहे हैं, तो तुसीं उन्हां नूं ऑर्डर्स दिंदे हो गोली लैके कि वो 70 जिहड़े ने वो 100 के बराबर इंसुलिन पैदा करन ताकि तुहाडे जिसम च जिन्ना ग्लूकोज गया उन्होंने वो कन्वर्ट करके एनर्जी च ट्रांसफर कर। उस 70 से जदों तुसीं 100 वाला प्रैशर पाते हो तो फिर 70 तो 65 रहना शुरू हो जाते हैं, 5 होर उत्ते चले जाते हैं। फिर तुसीं प्रैशर पाते हो, फिर वो 60 रह जाते हैं। फिर कहते हो एक गोली ना मेटफॉर्मन ना कम नहीं हो रहा, हुणे गोलियां दो कर दो या ये गोलियां सुबह शाम कर दो। फिर वो 55 रह जाते हैं क्योंकि 100 का कम वो 60 कर रहे हैं ना, फिर 100 का कम 55 कर रहे हैं, फिर 100 का कम 50 कर रहे हैं। स्लोली ग्रैजुअली तुहाडा जिन्ना भी बीटा सैल्स की क्वालिटी क्वांटिटी होंदी है और रिड्यूस होकर नैगलीजिबल हो जाती है, जिन्होंने असीं कहने पैंक्रियास डैमेज हो गया, बीटा सैल्स डैमेज हो गए। होंदे उत्थे ही ने, मरे नहीं, डैमेज हो गए ने। हुण इहदा दो ही हल ने, जां ते गोली होर खाओ, एक दी थां ते ओह जिहड़ा 10-20 रह गए ने तुहाडे ओह 100 दा कम करन ते गोलियां 4-5 वधा दिओ ते जां बाहरों इंसुलिन इंजैक्ट करो। तो साढ़े को एक तीसरा भी सलूशन है, या वो जो 90 खराब हो गए ने ना उन्होंने मल्टीविटामिन दो तो उन्होंने रिपेयर करो, और रोज़ जिमें 10-10-20 डैमेज हो रहे सी वो मैं 10-10-20 नाल एडअप होकर अपनी जॉब करनी शुरू कर देना। तो साढ़े को यही सलूशन है। अच्छा जी, जानी कर सकते हैं असी, ठीक, कोई वड्डी गल नहीं। 45,000 प्लस मेरे पेशेंट सी 2017 तक डायबिटीज़ दे, जदों तक असी काउंटिंग करते सी, डाटा रखते सी। 2017 तो बाद थक गए असी, हुण उह फाइल असी नाल ही पेशेंट नूं दे दिंदे, उहनूं कहने कि अगली वारी नाल लैके आनी है। कमरे भर गए, बंदे रखने पै रहे सी रिकॉर्ड सॉर्ट आउट करन लई। मैं कहा इहनूं फीस नूं घट करो, फीस सस्ती करो, फाइल पेशेंट नूं दे दो। उहने तो एक संभालनी है ना, असी 40-50 हज़ार संभालनी। हुण मेरे ख्याल 50,000 क्रॉस कर गए ने, जिन्हां चों 8-9 हज़ार वो पेशेंट्स ने जिन्हां ने इंसुलिन इंजैक्शन लाना छड्डता। 8-9 हज़ार तो ज़्यादा वो लोग ने। तो जो डॉक्टर साहब असी गल करते हैं, जिवें तुसीं हुण दसदा दिता कि यह हुंदी की है, तो हुण असी गल उस ते आउंदे आ कि पता किवें लगदा, सिम्पटम्स की हुंदे आ, बंदे नूं किहड़ियां गल्लां दा ख्याल रखना चाहिदा शुरू तो ही कि शुरू ही ना होवे, जदों किवें पता लग सकदा कि हुण मैं इस पासे नूं जा रही हां, मेरा शुगर लैवल वध रिहा जां कोई बॉडी च चेंजेस आ जांदियां जां कोई सिम्पटम्स सानूं शो हुंदे। सब तो पहली इहदी चेंज आंदी है कि तुहानूं प्यास लगना शुरू हो जांदी, मूँह सुकना शुरू हो जांदा। दूसरी हुंदी है तुहानूं भुख ज़्यादा लगदी है। तीसरी होंदी है तुहानूं फ्रीकुएंट यूरीनेशन शुरू हो जाती है, एक गिनते जाना मैं जड़ियाँ दस रहा। चौथी होंदी तुहाडीआं लत्तां च दर्दां होणीआं शुरू हो जांदियां। पंजवीं होंदी है तुहानूं नींद, स्ट्रैस, हर चीज़ डैमेज, तुहानूं फील होंदा मेरे भुख भी लगती है पर मैं खा नहीं सकता, नींद आती है पर मैनूं सही सुकून वाली नींद नहीं आती, दूसरे लोगों नाल लड़ना शुरू हो गया, चिड़चिड़ा होना शुरू हो गया, वेट घट होना शुरू हो गया, एंड सो ऑन। इनिया बीमारियां, इनिया परेशानियां आ जांदियां कि बंदे नूं लगदा है कि मैनूं पता नहीं की हो गया। मैं सारे ध्यान ना सुने, मैं बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरा वेट नहीं घटदा, वधदा है, मेरा वधदा है, मैं ठीक है। अच्छा, एक ते एदा हैवे कि तुसीं डरांदे बहुत है डॉक्टर साहब, की करा, मेरा काम ही है, डॉक्टरां दा काम ही डराउणा। नहीं वैसे मेरा काम सच दसना। एक्चुअली ना जिहड़ा तुसीं दस रहे हैगे आ, ते मैनूं काफ़ी लोकां दीयां कॉल्स आउंदियां, वो कहंदे कि असीं वाकई ध्यान नाल देखदे आ कि ये सिम्पटम्स सानूं कई आउंदे आ, जिवें असीं पिछली वारी गल कीती सीगी कि नींद नहीं आउणी, ते जां असीं होर भी जिन्नियां गल्लां कीतीआं। सो इह पंज सिम्पटम्स, पंज दस्से, हल्ले तुसीं होर भी है कि बस इन्ने की? बहुत सारे है, थोड़े जिहे होर दस, मेरा ख्याल इन्ने की इत्थे कि ब्रेक ला लओ। ठीक है जी। दूसरी इहदी रीजन की है, पिछे क्यों होंदी है शुगर? एक तो टैक्नीकल रीजन दसी ना असी, मैडिकल रीजन, हुण तुहानूं मैं बाहर वाली रीजन दसदा। तुसीं उन्हां चीज़ां नूं कवर करो जिन्ना जल्दी हो सकदा। मैं तुसीं सारे नंबर 1 जिहदा 65% शेयर है, तुसीं कहंदे सी ना मिठा, मिठा नहीं, 65% शेयर इत्थे आ तुहाडे। स्ट्रैस, डिप्रैशन, एंगजाइटी, ओवरवर्क, जिहड़े लोगां नूं 65% शेयर ओवरवर्क दा है ना, यानी स्ट्रैस ज़्यादा है, एंगजाइटी ज़्यादा है, उन्हां नूं शुगर मिठा खाण तो ज़्यादा जल्दी लगदी है जी, पहली गल। बाकी जिहड़ा 35% है उहदे च बाकी सारे फैक्टर्स ने, इनकलूडिंग मिठा, इनकलूडिंग बैड फूड, इनकलूडिंग लाल मिर्चां, इनकलूडिंग हरियां मिर्चां, इनकलूडिंग एवरीथिंग, मिठाइयाँ जो मर्जी कह लो। उहदा 35% शेयर है और यदा 65% शेयर है। तो 65% नूं कवर करो पहले। मैं नहीं कहता कि 35% नूं एग्रेवेट कर दो, 35% नूं भी कवर करो, लेकिन जिहड़ा ब्रेन नाल तालुक है ना, सोचां, स्ट्रैस, इहनूं कट करो, खुश रहा करो। तो खुश रहने का सब तो अच्छा तरीका है कि ब्रेन नूं ड्राई ना होण दिओ, डीहाइड्रेट ना होण दिओ, ब्रेन नूं हाइड्रेट रखो। जिवें असीं रोज़ कहने हैं कि पानी ज़्यादा पीओ और एंटीऑक्सीडेंट पानी पीओ। एक तो ये हो गई गल। दूसरी गल, जदों शुगर हो गई तुहानूं, ते बहुत सारे लोग मेरे को आंदे, उन्हां दा नॉर्मल शुगर दा लैवल नहीं उन्हां नूं पता। साढ़े नॉर्मल शुगर दा लैवल हुण बहुत लो कर दिता है इन्होंने। पहले किसी जमाने 4-5 साल पहले 8.5 तक हुंदा सी मैक्सिमम, फिर कर दिता गया 7.5, फिर कर दिता गया 6.5, इस साल कर दिता गया 5.5। तो जिदा इस तो भी लो होएगी शुगर, वो उहदे कोल उठ्या नहीं जाता, उन्होंने थकावट फील होंदी है जिहदी 4, 5, 3.5, 4 इत्थे रहे शुगर उन्होंने बहुत शदीद थकावट होंदी है। लिहाजा तुसी शुगर तुसी फिक्र ना करो, अगर तुहाडी शुगर 6.5 ते 6.8 ते 7 तक है यू आर ओके, डू नॉट टेक स्ट्रैस। मैं बहुत सारे लोगों को गोली छुड़ाई है पर हुण जिवें तुसी कहा कि 5.5 ते हुण कर दित्ती हैगी आ, हर साल घटा दिंदे हैगे आ पर कईयां दी शुगर घट भी जांदी है। सो तुहाडे कहण मुताबक जे 5.5 है जां 6.5 है जां 7.75 है तो ओके है, घबराने की लोड़ नहीं, घबराने की लोड़ नहीं। लेकिन जो अगर 4 है या 3.5 है फिर घबराने की लोड़ है। घट शुगर गलत है, घट शुगर तुसी कोमे च भी जा सकते हो और फिर कई बार वापस भी नहीं आते। आप कहने ना हार्ट अटैक हो गया किसी बंदे नूं, उन्होंने कोई सिम्पटम नहीं सी हार्ट अटैक दियां, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल, हार्ट दी बीट नॉर्मल, रिदम नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल, ब्लड नॉर्मल, फिर उन्होंने हार्ट अटैक कितों हो गया। वो यही होंदा है किसी वक्त वो शुगर या तो 20-30 हो गई तो या 3-4 हो गई, तो ठक करके हार्ट अटैक होया जी। सो सिम्पटम्स तुसीं दस्सदा ते लैवल दस्सदा आ ते हुण किहड़ियां गल्लां दा ख्याल रखना चाहिए? जिवें हुण तुसीं दस्सिया कि ये तां नहीं भी तुसीं मिठा खांदे फिर भी हो जांदी है, पर हुण किहड़ा फूड सानूं किवें दा रखना चाहिए, अपनी डाइट किवें दी रखनी चाहिदी है? जिन्ना नेचर दे क्लोज रहोगे, करीब रहोगे, उन्ना हैप्पी रहोगे। मिसाल के तौर पर यदि मैं तुहानूं एक छोटी जी एग्जाम्पल दिना, बच्चा पैदा होंदा इन्ना नेचर के करीब होंदा कि उसको कपड़े भी नहीं होंदे, हर चीज़ चल के उसको जाती, प्यार चल के उसको जाता, कपड़े चल के उसको जाते, जुत्ती चल के उसको जाती, दुध उसदी फूड हर चीज़ उसदे वल नूं ट्रैवल करती क्योंकि वह नेचर के करीब होंदा। जिवें जिवें वह वड्डा होंदा जांदा वह नेचर तो दूर होंदा जांदा, उहनूं एफर्ट करनी पै जाती है। थोड़ा जिहा होर वड्डा हुंदा है तो उहनूं होर एफर्ट करनी पैंदी, इन्हां चीज़ां वल उहनूं चल के जाना पैंदा है। फिर होर वड्डा हो जांदा साडी उमर च, फिर उहनूं इन्हां चीज़ां वल दौड़ना पैंदा, क्यों असीं नेचर तो दूर हो रहे हुंदे स्लोली ग्रैजुअली। जिन्ने तुसीं फूड अपनी नैचुरल रखोगे, खाना पीना नैचुरल रखोगे, रिलेशनशिप नैचुरल रखोगे, नींद नैचुरल रखोगे, हसना खेडना नैचुरल रखोगे, उन्हें तुसी बीमारियों तो दूर रहोगे। तो पिछली दफ़ा असी एक आखिर ते गल दसी सी कि अपनी रूह नूं साफ रखोगे, डिटॉक्सीफाई रखोगे, उन्हें तुसी बीमारियों तो दूर रखोगे। किसी दा जिन्ना अच्छा करोगे उन्हें बीमारियों तो दूर रहोगे। बड़े मुश्किलात जी दे विच पाता तुसी सारियां नूं सुणन वालियां नूं, इन्ने औखे कम दस्से करने पर जे देखिया जावे रोज़मर्रा दी जिंदगी च जीण लई ते बड़े सौखे कम ही है, इन्ने कोई खास औखे भी है नहीं गे। तो तुसी फूड दस सकता कि नेचर के ज़्यादा लागे रहना चाहिए, सो अपने आप को भी खुश रखना चाहिए, होर भी तुसी बहुत कुछ दसिया। तो हुण असी गल करते हैं जो असी कहने नेचर के लागे रहना चाहिए, तुसी पानी की गल कीती सी कि पानी भी जिहड़ा आ वधिया पीना चाहिए, तो पानी तो हुण जिहड़ा टूटियां च आउंदा असी उही पीने आ, वध तों वध फिल्टर लाए हुंदे आ उह पी लैंदे आ। फिल्टर नूं तो नहीं ना पता किहड़ी चंगी चीज़ है तो किहड़ी माड़ी है, किहड़ी कड्ढनी है मैं तो किहड़ी नहीं कड्ढनी, उहने तो सारियां ही कड्ढ देणियां। तो वह मैं अक्सर मिसाल देना कि एक पासे तुसी ब्रैड खा रहे हो, एक पासे तुसी स्पंज खा रहे हो, तो ब्रैड ने तो कोई फायदा देना, स्पंज ने तो कोई फायदा नहीं देना। पानी पियो जड़ा एंटीऑक्सीडेंट है, तो जड़ा मैं रोज़ दस के तुहानूं थक गया पानी, जिहदी मैं इन्नी रिसर्च की, अपने घर लवाई, सारियां नूं लवा के दित्ती मशीन, उस पानी का एक गिलास इवें है, उहदी आसान मिसाल समझाना है। एक गिलास पानी लिया तुसी, अद्धा चमच अद्धा लीमू उहदे च निचोड़ दिता, तो एक गिलास उस मशीन का पानी पीता, ये इक्वली एंटीऑक्सीडेंट है। जिन्ना एंटीऑक्सीडेंट लीमू निचोड़ के है पानी, एक अद्धा लीमू एक गिलास पानी उन्ना वो सादा एक गिलास एंटीऑक्सीडेंट है, प्लस वो पीएच हाई है, प्लस वो ऑक्सीजन है, प्लस वो हाइड्रोजन है, प्लस वो लाइट है वाटर। तुसी ये एक गिलास पियो वो 5 गिलास पियो, तुहानूं हैवी नहीं फील होएगा। पानी एंटीऑक्सीडेंट पियोगे तो तुहाडी बॉडी नूं डिटॉक्सीफाई करता रहेगा। जिवें आपां हल्दी खाने अद्धा चम्मच हल्दी खाओ, यह अद्धा लीमू निचोड़ के पियो, तो पानी बगैर कैलोरीन वाला पियो, टैब वाला ना पियो, तो तुसी वैसे ही हेल्दी रहंदे हो, तुहानूं दवाइयां दी जरूरत ही नहीं जी। तो जिहड़े बॉटल वाटर या बोतलों च पानी बंद होके आउंदा, जिहड़ा लिया के कंटेनर रख लईदे, उहदे बारे की कहना? इक्को जिहा ही है, 19-20 का फर्क है, भैन ते भरा ही है। ठीक है जी। तो अच्छा डॉक्टर साहब, जो हम तुम दसिया कि पहला होंगे कि कोई एक सर्टन एज होंगी सी जिथे कि जाके बंदे नूं शूगर वर्गी बीमारी लगती सी, हुण तो बहुत छोटी एज भी बच्चों को भी हो रही है, शूगर हो रही हैगी है, तो बहुत यंग भी जिहड़े हैगे उन्होंने भी हो रही हैगी है। सो ये कोई एज का नहीं होंदा, पर कई कहते हैं कि ये जनैटिक ही होंदी है। जे परिवार च पहला किसी नूं जिवें मेरे दादी जी नूं सी, मेरे फादर नूं भी आ, मेरे ब्रदर नूं भी आ, इदा ये सारा तुहानूं नहीं होई, देख लो ਇਹ तीन तरह की शुगर होंगी। तुसीं मेन इहदा नोट कर लो। नंबर एक टाइप 1, जिहदे च इंसुलिन इंजैक्शन लाना पैंदा, बाहरों लैनी पैंदी, बीटा सैल्स गॉन, वो इंसुलिन बनाते ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं बनाते। ਉਹਦੇ ਚ होप ਹੁੰਦੀ ਹੈ बीटा ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ। होप ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈ 9-10 हज़ार ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇੰਸੂਲਿਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਛੜਵਾਏ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਾ ਤੇ ਇੰਸੂਲਿਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਛੜਵਾਇਆ 250 ਯੂਨਿਟ ਲਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਡੈਡੀ ਤੁਸੀਂ इन्ने इन्ने यूनिट सुबह लाते हो, इन्ने इन्ने शाम को लाते हो, शुगर थोड़ी फिर सुबह न 13:30-14 होंगी है, तो तुम ये लाए बगैर चैक करो किन्नी होंगी है, छड्डो परे इहनूं। तो उस बंदे दी इंसुलिन 16 दिन छुट गई, 250 यूनिट। ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਾਈਪ 1 ਤੇ ਟਾਈਪ 2 ਤੇ 3 ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਟਾਈਪ 2 ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਟੈਬਲੇਟਸ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬੀਟਾ ਸੈਲਸ ਦੀ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਬਲੇਟਸ ਖਾਈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੀਟਾ ਸੈਲਸ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੀਟਾ ਸੈਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਨਸੂਲਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੈਵਲ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਟਾਈਪ 3 ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੈਨੇਟਿਕ ਕਹ ਲਓ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋ, और यूजली उन्होंने इंजैक्शन ही लाना पैंदा, वो इंजैक्शन तो बगैर, क्योंकि उहदे बीटा सेल्स होंदे नहीं है, होंदे तो फिर डैमेज बहुत ज़्यादा होंदे। सो ओहदा कोई इलाज नहीं, यही इलाज साढ़े को तो सारे इलाज है, तुहानूं पता ही है कितना टाइम प्रोसैस रहिंदा, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि जदों असीं नैचुरल दवाइयां खांदे हां, होम्योपैथी दियां असीं दवाइयां खांदे हां कोई, तो वो स्लो वर्क करदियां। सो कितना टाइम लगदा? तुसीं दस्सिया 16 दिन च भी किसी ने जिहड़ा इंसुलेशन लैनी बंद कर दित्ती सीगी, 250 यूनिट इंसुलिन 16 दिन। डिपेंड करता है कि तुहाडी तबीयत कैसी है, तुहानूं होर कितनी बीमारियां ने नाल। अगर तुसी बीमारियां, मैन हू वाज अ हॉस्पिटल, कोई 1000 बीमारियां इकट्ठियां कीतियां होईयां ने, तो फिर तुहानूं थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर एक बंदे नूं सिर्फ डायबिटीज़ ही है, होर कुछ है ही नहीं, तो मेरे कोले हंड्रड्स ऑफ एग्जाम्पल ऐसियां ने, अज उहनूं दवाई दित्ती 85 यूनिट वो लांदा सी पूरे दिन च, और शाम नूं उहनूं इंसुलिन नहीं लानी पई, पहले दिन ही नहीं लानी पई। बाकी जितों तक ठीक होने का तालुक है, वो मेरे रब कोल है, गारंटी वो ही जानता। मैंने अक्सर लोग फोन करके पूछते किन्ने दिनों च ठीक हो जाऊगा, मैं क्या मैंने पता है किन्ने दिनों च ठीक हो जाऊगा, पर मेरी डोमेन नहीं है, मैं दस नहीं सकता, ये ओदी डोमेन है, ये वो दस सकता। तो जे मैं ओदी गल आप दसनी शुरू करती तो उन्हें कहना तू कौन होना मेरी गल च दखल देने वाला, ये पता होना किन्ने दिनों च होना, तू सिर्फ दवाई खा, क्योंकि दवाई बेस्ट देनी है, मैं हल्की दवाई नहीं देनी। बहुत सारे सैमीनार्स होंदे आ जिथे बजुर्गों नूं जां जिहड़े डायबिटीज़ दे मरीज हैगे आ उन्हां नूं सैमीनार ला के उन्हां नूं किवें वधिया डाइट खानी आ, किवें उन्हां ने अपने आप नूं किहड़ियां चीज़ां नहीं खाणियां, किहड़ियां खाणियां। बहुत सारे गुरु घरां दे विच वी ओह दसदे आ, क्योंकि अक्सर देखिया जाए कई लोग कहंदे मैनूं शूगर आ ते मैं मिठा नहीं खाना, पर वो चाह फिक्की पींदे आ ते नाल 2 लड्डू भी खा लैणे, नाल बर्फी खा ली, नाल 2 जलेबियां खा ली, है ना। ते वो फिर वो चाह फिक्की पींदे आ, ते कई वो आर्टिफिशियल फ्लेवर वाली शूगर पा के चाह दे विच पींदे आ, कईयां नूं आदत नहीं हुंदी। सो बहुत सारियां इहो जिहियां आउंदियां, पर सौखा घरों असीं किवें कंट्रोल सारा कुछ कर सकदे आ। इहदे च एक बेसिक टैक्नीक दस्सां बलजिंदर, तुसीं जिन्ने कंपलैक्स घट होवोगे उन्ने सुखी रहोगे। घट तो घट कंपलैक्स चीज़ां खाओ, ईजी चीज़ां खाओ। हुण दूसरियां दवाइयां खाण वालियां दे बारे च ते मैं नहीं कह सकदा कि ओह ना खाण ते फलानी शै खाण। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿੱਠੇ 'ਚ ਗੁੜ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਦ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਫਰੂਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਸਿਰਫ ਕੇਨ ਸ਼ੂਗਰ, ਚਿੱਟੀ ਚੀਨੀ, ਸਫੈਦ, ਵਾਈਟ ਸ਼ੂਗਰ। ਪਰ ਚੀਨੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਰਾਊਨ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੱਕਰ ਖਾਓ, ਗੁੜ ਖਾਓ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਕੈਮੀਕਲਸ ਹੈਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖਾਓ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਗੁੜ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਲੀ ਸ਼ੱਕਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸਲੀ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ, ਹਨੀ, ਉਹ ਖਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੁਆਂਟਿਟੀ 'ਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਖਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਚਮਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀਓ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਐਨੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਬੈਡ। ते तुसी नॉर्मल इंसान जिन्ना खा सकते हो और साढ़े सारे पेशेंट खाते हैं जिन्होंने असी कहने असी परहेज़ खत्म करा देने सिर्फ चीनी का परहेज़ जिदे चीनी पई है उस फूड का परहेज़ जिदे चीनी नहीं पई गुड़ शक्कर पिया वो तुसी खाओ और स्वीट डिश भी बना के खाओ। तो यूजली जिहड़ियां चीज़ां नाल शुगर वधदी है वो वाए चीज़ां जिवें गोभी है तुसी पालक साग खादा तुसी चने छोले वाइट पीज़ है ये खादे तुसी राइस खादे इन्हां नाल शुगर वधदी है आलू खादे इन्हां नाल वधदी है घटदी किहदे नाल है सब तो ज़्यादा जिहदे नाल शुगर घटदी है वो है फिश। तुसी अगर फिश खाओ शुगर पहले भी चेक कर लो तो बाद च भी चेक कर लो तो तुहाडी शुगर काफ़ी डाउन होंदी है। अच्छा जिहड़े करेले खाने करेलियां दा जूस पीना जां इहो जिहियां जिहड़ियां नैचुरल जिहड़े फ्रूट वैजीटेबल्स आ इन्हां दे नाल भी फर्क पैंदा है। करेले खाने चाहिए है लेकिन यह नहीं कि करेलियां का जूस कड़ के पीना शुरू कर दो। जिहड़ियां भी कड़वियां चीज़ां ने उन्हां नाल स्टमक डैमेज होंदा है उन्हां नाल तुहाडी आईसाइट डैमेज होंदी है ज़्यादा कड़वियां खाण नाल। एक खास हद तक ठीक है लेकिन जो असी उहदा जूस कड़ के निम के पत्तियां का जूस पींदे ने लोग करेलियां का जूस पींदे ने तुम्मे का जूस पींदे ने दैट इज़ रॉन्ग। वो नहीं पीना वो तुहाडी आईसाइट नूं अखां नूं लै जाएगा तुहाडे स्टमक नूं लै जाएगा तुहानूं डाइजेशन खराब कर देगा। करेले नॉर्मल जिवें पका के आपां घर च खाने दैट इज़ गुड वो फाइन है वो खाओ पर साडे लोकां दा पकाउण दा तरीका भी वखरा हुंदा ना असीं तां मार के खाने आ ना। हाँ जी असीं करेले नूं पकाउंदे नहीं ना असीं ओनूं खाण जोगा तां छड्डदे नहीं असीं तां ओनूं साड़ के काला सोआ कर दिंदे उहदे च कुछ न्यूट्रीएंट रहिंदा ही नहीं उस तरह दा कोई फायदा नहीं। एक तां मिर्चां अपणियां लाल ते हरियां मिर्चां छड्ड के कालियां मिर्चां ते आ जाओ पहला चेंज करो अपने घर च। दूसरा वाइट चीनी नूं कढ़ के अपने घर चों गुड़ और शक्कर और शहद ते आ जाओ ये दूसरा चेंज करो अपनी लाइफ च। और तीसरा चेंज करो अपनी लाइफ चो गुस्सा परेशानी स्ट्रैस लोगों का बुरा करना लोगों का बुरा बोलना रोड रेज हारन मारना किसी ना बुराई सुनना बुराई करना ये छड़ दो तो शुगर होंदी नहीं फिर कोई दवाई खाने की भी लोड़ नहीं ना दवाई खाने की भी लोड़ नहीं जदों बिल्कुल। डॉक्टर साहब साडे नाल एक कॉलर है असीं इन्हां दे नाल गल करदे हां। जी आनू जी तुहानू सांझा टीवी ते सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। हेलो बलजिंदर जी। हेलो सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल मैं नत बोलदा जी। हाँ जी नत साहब की कहोगे जी तुसीं? मैं जी तुहाडा प्रोग्राम सुन रहा। हाँ जी ये मैनू भी प्रॉब्लम हैगी आ जी ते मैं तुहानू गल्लां दस्सां सारियां सच्चियां जी। देखो मैनू ब्लड प्रेशर कोई नहीं बिल्कुल ही। हाँ जी मैनू होर बीमारी कोई नहीं जी। शुगर मेरी 27 28 रहिंदी आ। हां जी 27 ਤੇ 28 ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣਾ ਰੈਗੂਲਰ ਰੋਜ਼ ਖਾਣਾ ਜੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜੀ 8 9 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਹੋ ਜੇ ਮੇਰਾ ਉਹ ਬਿਨਾ ਦਵਾਈ ਲਈ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਨਤ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਮ ਇਹੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫੀਮ ਵੀ ਖਾਣਾ जी 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 जी। हाँ जी तुसीं दसो कोई गल नहीं जी। अब क्या टीवी बोली जांदा मेरियां गल्लां ही तुहाडा ही टीवी बोलदा जी घरों जेड़ा पिछे हैगा उत्थे तुसीं साडी गल सुणदी सानू ते मैं तुहानू दस्सिया जी जिवें ए वी खाना जी जी ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਪੂਰੀ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੂ ਘਟਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾ ਕਦੇ ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਮੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਵੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਹੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਨਤ ਸਾਹਿਬ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ ਆ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਪਰਾਉਣੇ ਹੋ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਡੇਕ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਨਤ ਸਾਹਿਬ? ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਨਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਜੀ 61 ਦਾ 61 ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਤ ਸਾਹਿਬ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਗੋਲੀਆਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੈਨੂਡ ਦੀ ਖਾਣਾ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਕਵਰ ਸੈਲ ਖਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਡੈਮਾਗਰਾਉਨ ਖਾਣਾ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਯਾਰਨੈਸ ਖਾਣਾ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ B12 ਖਾਣਾ। ਹੋਏ 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 ਜੇ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀ 9 8 9 ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕਰ ਜਾਣਾ ਜੀ ਫਿਰ 27 28 30 ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਦਿਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਤ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦਵਾਈਆਂ ਇਹ ਖਾਣਾ ਇਹ ਸਹੀ ਗੁੱਡ ਨੇ ਵਧੀਆ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣੀ ਜਾਇਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਫੇਰ ਜੀ ਲਾਉਣਾ? ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਕਰਕੇ ਜੀ ਉਹ ਛੱਡਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਠੀਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ 8-9 ਤੇ ਆਈ ਜਿਵੇਂ ਦਵਾਈ ਖਾਣਾ ਸਹੀ 8-9 ਨਹੀਂ ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾਥ ਸਾਹਿਬ, ਜਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਜੀ। हाँ जी डॉक्टर साहब, इन्होंने तो काफ़ी गल्लां दसियां। अच्छा, इन्होंने जी एक गल की कहते मैं फीम भी खाना, तो वैसे मैं दस दी क्योंकि जी असी पंजाबी फैमिलियां है ना, तो साडे मोस्ट घरां दे विच लोकां ने रखी हैगी आ। ओह कहिंदे कि कई वारी किसी नूं जिद्दां अधरंग दा दौरा पै जाए जां कई वारी कुछ थोड़े टाइम बाद 2 हफ्ते महीने च एक बार कणक के दाने जिन्नी खा लैनी चाहिए। मैं सुनिया लोगों तो गल्लां, मैनू पहला नहीं सी जी पता कि काली नागनी इनू कहंदे आ, राणी भी कहंदे आ। हाँ, राणी भी कहंदे आ। सो हुण जिद्दां इह दस के गए आ कि इह गल्लां वाकई है इदां दा कुछ। बलजिंदर जिहड़ी 27-28 शुगर है ना, वो तो इवें ही है जिवें तुसीं खुदकुशी कर रहे हो। वो मैं तुहानूं दस्सिया सी कि जदों किसी नूं हार्ट अटैक हुंदा और रीजन नहीं पता लगदे तो वो यही हुंदी है रीजन। 27-28 नहीं होनी चाहिए, दैट इज़ वैरी रॉन्ग। और 8-9 शुगर ठीक नहीं हैगी, 7-8 ठीक है। 7 पर कहते कि इंजैक्शन भी लेंदे सी, वो हुण छड्ड दित्ता। दवाइयां देखो उन्होंने कितनियां गणाइयां, और कहते कि मैनू डॉक्टर ने कहा कि तुसीं तां थोड़े चिर दे मेहमान हो। आज तो 15 साल पहला 24 आवर्स वाली दवाइयां जिहड़ी 24 आवर कंट्रोल रखती है, ਉਹ ਬੀਟਾ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਵਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ 24 ਆਵਰਸ। ਇੱਕ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੱਤ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਕਿ 8-9 ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਨਿਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ। ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਕਾਲਰ ਆ ਨੱਤ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ थोड़ी जी। उन्होंने कहा कि अपनी तू मिठा या मिठिया चीज़ों पर कंट्रोल कर। कहते तुसी कह रहे हैं कि मिठे ना हुंदी भी नहीं गई हो, नहीं क्या नहीं कहते भी जरूरी नहीं भी मिठे नाल ही होंदी है, पर कहते डॉक्टर मैनू कह रहे हैं कि मिठे ते कंट्रोल कर। ते कोई दवाई है कि मैं शुरू तो ही फड़ ला जड़ तो? जी जदों तुसी मिठा तुहानू शुगर दा शक पै गया तो फिर तुसी मिठे ते कंट्रोल करना है। असीं ये नहीं कहा कि मिठे नाल नहीं होंदी। 35% तुहानू दस्सिया कि मिठे नाल होंदी है, 65% इहदा स्ट्रैस नाल ताल्लुक है। जदों तुहानू ये शक पै गया, सपोज डॉक्टर ने कहा कि तुहाडी बॉर्डर लाइन ते आ गई है, तो तुसी फिर 2 चम्मच ओलिव ऑयल, अगर तुहानू ब्लड प्रेशर नहीं हैगा, 2 स्पून ओलिव ऑयल सुबह खाली पेट, 2 स्पून ओलिव ऑयल रात को खाना खा के इंज ले लिया करो, तो तुहाडी 9-10 तक जी शुगर है वो तो नॉर्मल हो जाएगी। फिर इस तरह ओलिव ऑयल को घटाते जाओ, 1 स्पून ते ले आओ, फिर अद्धे स्पून ते ले आओ। डॉक्टर साहब कॉलर है जी साडे नाल। जी आनू जी तुहानू सांझा टीवी ते सत श्री अकाल जी। हेलो सत श्री अकाल जी। हाँ जी सत श्री अकाल जी। बस ठीक है जी, तुसी दसो जी। मैं तुहानू 2 महीने पहला फोन किया सी ऐसे डॉक्टर दे लई। हाँ जी तुहानू चेते होवे, तुसी कहा सी मैं गल करवावांगी जी। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਡਰ ਟੂ 5 ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੈਟਰਡੇ। ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਸੀ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਸੀ ਬਲੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ 5 ਵਜੇ, ਕਹਿੰਦੇ 1 ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਪਾਣੀ ਲੈਣ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ 5 ਵਜੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ। ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕੀਤਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੀ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਫੋਨ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੀਗੇ ਸਕਾਮਿਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਬੀਜ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਟਰ ਸੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ, ਉਹ ਨਿਕਲੇ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਲੌਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਡੀਟਿਊਡ ਆਈ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਇਟ ਵੀ ਓਨੈਸਟਲੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਏਦਾਂ। ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੇਡੀ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨਿਊਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਆਪਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਇਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਭੈਣ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਾਲ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਜਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ। ਇਹ ਆਏ ਸਨ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। इन्होंने फोन इन्होंने मैंने फोन किया, मैं ही खुद ही फोन अटेंड करदा, तुहानूं पता है। इन्होंने कहा जी असी थले खड़ोते हैं, सैटरडे संडे ऑफिस बंद होंदे ने तो बिल्डिंग का मेन डोर बंद होंदा है, सैटरडे संडे बाकी दिनों खुला होंदा। इन्होंने कहा असी थले खड़ोते हैं, मैं उन्होंने कहा कि 5 मिनट इस पेशेंट के रह गए ने, ये थले उतर रहे हैं, तुसीं अंदर आ जाओ प्लीज़। वो 5 मिनट बाद पेशेंट उतर के चले गए, ये अंदर नहीं आए। दूसरे पेशेंट में जोड़े बाहर बैठे से उन्होंने देख लिया, अद्धे घंटे बाद या 15 मिनट बाद इन्हों का फिर फोन आया। मैं क्या पेशेंट उतर के गए सी, तुसी आए क्यों नहीं अंदर? इन्होंने कहा जी सानू तो पता ही नहीं वो पेशेंट कितों उतर के गए। मैं क्या जो डोर है तुसी उत्ते कित्थे बैठे हो? असी गड्डी ला के बैठे हैं जी फलानी जगह पर। मैं क्या तुसी हुण फिर डोर दे कोल आ जाओ प्लीज़, वो पेशेंट उतर के आ रहे हैं तो तुसी आ जाना अंदर। डॉक्टर साहब मैंने लगता है भी तुहाडी शायद हुण सल्यूशन जिहड़ी आ ये तुहाडी प्रॉब्लम सी भी सॉल्व हो गई। तुसी हुण एक तुहाडे आफिस दे विच बकायदा काम कर रहे हो सिस्टम, लेकिन उहदे च मेरा कोई कसूर नहीं है, गलत समझ रहे ने। कोई नहीं जी, कहंदे हुंदे अपणियां दे नाल ही बंदा गुस्सा कढदा है। हुण जदों डॉक्टर नूं सारियां तकलीफां दसियां जांदियां, सो फिर जे डॉक्टर हुण सुणनगे ते तां ही आ। जे हुण गलतियां भी डॉक्टर दियां कहंदे असीं लोक ही कढदे हुंदे आ, ठीक भी तुसीं सानूं करदे आ ना। ते हुण इन्हां ने एक होर लिखिया हैगा, कहंदे कि ए जी हैगे आ इत्थे ਭੈਣ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, पर मैं ਮਿੱਠਾ बहुत ज़्यादा ही खाँदी हाँ। लाइक कोई मैं लिख के नहीं दस सकती ਕਿੰਨਾ ਖਾਂਦੀ हाँ, ਕਹਿੰਦੇ मैं बहुत ज़्यादा मिठा खाँदी हाँ भी, ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ है ਮਿੱਠੇ ਦੀ। कि ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ खतरा है कि ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ मैं 40 ਸਾਲ ਦੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿੱਠੇ ਦੀ? ਇੱਕ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਦਫਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿੱਠੇ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਨੀਂਦ ਵਾਲਾ ਡੈਮੈਂਸ਼ੀਆ ਵਾਲਾ ਚਾਂਸ ਹੋਵੇ, ਡੈਮੈਂਸ਼ੀਆ और ਸਲੀਪ ਐਪਨੀਆ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੇਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਮਿੱਠੇ ਦੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ। ਦੂਸਰੀ ਨਾਲੇ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨਾਲੇ ਲਿਖ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕਾਲਰ ਆ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਆਨੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਲਜਿੰਦਰ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਿਆ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਭੈਣ ਜੀ ਓਨੈਸਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਚਾਹੇ ਨਰਸ ਆ ਕੋਈ ਵੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ 45 ਇਅਰਸ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਟਰੂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਦੇ ਫਰੰਟ ਤੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕਾਰ ਲਾਈ ਹੋਈ, 3 ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਦਿਨ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਤਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਡੋਰ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ? ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰਾਂਗਾ ਫੇਰ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਫੋਨ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਦੋਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਰ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਡੋਰ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓ। ਸੋ ਮੈਨੀ ਡਾਕਟਰ ਹੀਅਰ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰੋਂਗ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਬੇਦਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਦਟਸ ਫਾਈਨ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੀ ਆਨੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਗਨੋਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਡਾਇਬੀਟਿਸ ਲਈ ਜੀ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਮਰ 43 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਡੇ ਨਾਈਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵੱਧਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੀ AIC 7.5 ਆਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਮੈਟਫੋਰਮਨ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੈਂਟਸ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਰੈਪਿਡ इंसुलिन लेना है ते एक जुनूबिया लेना है जी। तो मेरे AIC बिटवीन 6.5 टू 7.5 रहंदी है जी। की ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਨੂਬੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਟਿਲ ਜ਼ਨੂਬੀਆ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਨੂਬੀਆ ਦੀ? ਇੱਕ ਜ਼ਨੂਬੀਆ ਲੈਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਦਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਸੂਲਿਨ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਵਾਈ ਚੀਨੀ ਤੋਂ। नहीं नहीं मिठे का तो मेरे तो बहुत कंट्रोल है जी, ऐसे मिठा नहीं खाते, अगर ना ही कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेने जी जी। थैंक यू जी, थानू अगे जाके जरूर डॉक्टर साहब होर भी कोई इन्हां दे कोल होई गल ते जरूर दसणगे, पर थैंक यू तुसीं कॉल कीती। जी आनू जी, थानू सांझा टीवी ते सत श्री अकाल जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਲਜਿੰਦਰ ਭੈਣ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਫੋਨ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਹਾਂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 8 ਮੈਂਬਰ ਗਏ ਆ ਜੀ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੀ ਅਨੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਖਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਪਿੰਡੇ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਦਾਣੇ ਜੇ ਬਣਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ 'ਤੇ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਦਾਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡਾ ਕਾਲਸ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲਜਿੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸੈਟਰਡੇ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਤਰ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉਤਰ ਕੇ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਗਿਆ, ਤੀਸਰਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਰੱਖ ਲਓ ਡੋਰ ਤੇ, ਹੁਣ ਰੱਖ ਲਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਆ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਮਝ ਗਏ, ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਰੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਲਰ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਅਨੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਫੋਨ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ 400 ਤੱਕ 500 ਤੱਕ 400 ਤੱਕ 500 ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ 499 ਤੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੱਸਦੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਈ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹਿਮਲਾਗ ਜੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ੇਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਦਵਾ ਮੰਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਦੱਸਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਮਰਜ਼ਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 400-500 ਸ਼ੂਗਰ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਬੀਟਾ ਸੈਲਸ ਵਾਲੀ, ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਲੋ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਹਿਊਮੋਲੋਗ ਇਨਸੂਲਿਨ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੀਟਾ ਸੈਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਲਓਗੇ, ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਨਚੋੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਨੁਚੜੇਗਾ, ਫਟ ਜਾਏਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਟਾ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਰਿਜੂਵੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਉਹ ਬੀਟਾ ਸੈਲਸ ਐਡ ਅਪ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਇਨਸੂਲਿਨ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ? ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ, 10 ਤੋਂ 15 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਾਈਨਰ ਜੀ ਫੀਸ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਸ਼ਿਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਔਰ 8-10 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦਵਾਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸ਼ੂਗਰ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹੋ ਸਵਾਲ, पर वो कहंदे कि मैनू जेड़ा आ ब्रेस्ट कैंसर आ तो कहंदे कि मैनू इस गल का पता लग चुका कि मैनू जी आम ब्रैसट कैंसर लिए जो मेरी ट्रीटमेंट होनी है वो तो अलावा मैनू कोई एहो जी होम्योपैथिक की दवाई भी मेरा कोई सलूशन है मेरा कोई हल बिल्कुल है। कार्सिनोसन एक मेडिसिन है CARCINOSN कार्सिनोसन 1 mg ਉਹਦੀ एक डोज ਤੁਸੀਂ दूसरे तीसरे दिन ले लिया करो या कार्सिनोसन 200 ਦੀ एक डोज रोज़ ले लिया करो 3-4 ड्रॉप प्लस ਤੁਸੀਂ हल्दी ਦਾ 1 चम्मच हल्दी ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਰਕੁਮਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਵਾਸਤੇ बहुत अच्छी दवाई है ਉਹ हल्दी ਦਾ 1 चम्मच या 1 चम्मच ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚ ਪਕਾ ਕੇ ਉਹ रोज़ खा लिया करो ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ जी। तो डॉक्टर साहब एक सानू मैसेज आ जी सानू हरियाणे तो वो कहते कि डॉक्टर साहब तुसी अपना कोई नंबर दसो तुहाडे नाल गल करनी है हरियाणे तो कि कोई तुहाडा कोई व्हाट्सएप हैगा खुशवंत सेठी है जिहड़े मैसेज कर रहे एक क्लिनिक वास्ते नंबर हुण लेना ही पैना मैं तो अगे बलजिंदर फीस रिड्यूस कीती होई सी कि ना मैनू इन्ना खर्चा करना पवे हुण मैनू मजबूरन कोई नंबर लैके ते इन्हां नू देना पैना असीं अगले वीक मेरा ख्याल इस स्क्रीन ते चला देंगे नंबर ते साडे नाल कॉलर जी जी आनु जी थानू सांझा टीवी ते सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल जी। कुड़े आला आपदी आंटी नाल गल कर। हां जी कराओ जी गल कर दे जी। हेलो हेलो हां जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी मैं असि दूजा फोन कीता सी डॉक्टर साहब है ना दूजा बलविंदर कौर लेके जी जी ते मेरे ना दूजा पीड़ा कुल्ले च पीड़ पैंदी है दूजा लक्क बड़ा दुखदा ते मेरे लत्तां च पीड़ा पैंदी पैर दर्द बहुत करदे आ जी ते मेरा खून दा कीता सी उन्हां ने हां जी ते पैप पा के ते रात नूं पीड़ा पैंदियां दूजा मेरे ते वी ए दवाई दूई कोई होर असी जी स्क्रीन ते डॉक्टर साहब होना दा नंबर शो करांगे ते तुसी इन्हां नूं फोन कर लिओ ते इह तुहानूं फोन दे राही गलबात तुहाडे नाल कर लैणगे ते तुहानूं इत्थों शिप कर देणगे दवाई जी। अच्छा ठीक है हाँ जी थैंक यू जी थोड़ा थैंक यू जी सत श्री अकाल जी 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 आनू जी थानू सांझा टीवी ते सत श्री अकाल जी बलजिंदर जी हाँ जी हेलो हाँ जी नत साहब सुनते हैं जी मैं पूछना जी इन्हां दा एड्रेस दसो भी मिलना कित्थे डॉक्टर साहब नूं बिल्कुल जी तुसी ते साडे घर दे ही हो जी तुसी जदों मर्जी सानू फोन करके इत्थे आके एड्रेस लै जिओ नाले सानू मिल जिओ ठीक है जी जी जरूर थानू दसदे आ जी एड्रेस तुसी प्रोग्राम सुनदे रहो जी ठीक ठीक है जी थैंक यू नत साहब थैंक यू जी बिल्कुल जी बहुत एक साडे नाल एक होर कॉल आ रही है जी आनू जी थानू सांझा टीवी ते हेलो सत श्री अकाल जी हेलो हाँ जी इंडिया तो तुसी सानू कॉल कर रहे हो जी की कहोगे शायद तुहाडे वालों नैट की थोड़ी जी प्रॉब्लम आ रही है तो तुहाडी सानू आवाज़ नहीं सुन रही पर डॉक्टर साहब मैं चाहूँगी एक बार प्लीज़ तुसी एड्रैस ते फोन नंबर दस दो क्योंकि कोई व्हाट्सएप दा तुहाडे कोल नहीं गा हाले इस वक्त ना। हाँ जी वो नंबर तुहानू लैके जल्दी दस देंगे फिलहाल तो तुसी 3064443444 +1 ਲਾ ਲਿਓ ਕੋਡ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕੋਈ ਈਮੇਲ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੈਸੇਜ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਵਗੈਰਾ। ਹਾਂ ਜੀ ਈਮੇਲ ਹੈ ਵੇ 1 numeric ਦਾ 121 numerics 121 analyzer analyzer@gmail.com ਜੀ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਸੇਜ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ ਆ वो कहते कि मैनू शुगर आ तो मेरे मैं टीका भी लाँदी हाँ बड़ी सोहनी पंजाबी लिखी है कहते मैं टीका भी लाँदी हाँ तो मैं गोलियां भी खाँदी हाँ कि मेरा इलाज भी हो सकता है हो सकता क्यों नहीं हो सकता जिन्ना मर्जी टीका लाँदे हो तुसीं असीं तो टीका हटवा दें हौली हौली करके जी 10,000 बंदे का हटवाया तो 10,000 एक होणगे जी। तो डॉक्टर साहब बहुत मैसेज तो सानू बहुत ज़्यादा आए है सारियां दा यही सवाल आ कि तुहानू पंजाब तो ज़्यादा सानू मैसेज हैगे आ और यही कह रहे हैं कि कोई टाइमिंग है कदों क्योंकि दिन रात का फर्क होंदा है। इहदा काफ़ी प्रॉब्लम है रात नू अक्सर मैं सुत्ता पिया हुंदा 1 बजे 12 बजे फोन आ रहे होंगे ने इंडिया तो जाहिर है उन्होंने दिन होंगे तो उन्होंने नहीं पता कि साड़ी रात है तो वो सारे रात को ही फोन आते इसलिए वो अटेंड नहीं हो रहे होने तो वो समझते होने कि डॉक्टर बड़ा फोन नहीं अटेंड करता तो मैं की करा मैं सुता पिया होना सुबह उठ के देखदा कोई 250-300 कॉल्स मिस्ड कॉल्स हुण इहदे लई बंदा एक रख रहे हैं जी। साडे नाल एक होर कॉलर है जी आनू जी तुहानू सांझा टीवी ते सत श्री अकाल जी हेलो सत श्री अकाल हाँ जी सत श्री अकाल जी हाँ जी मैं सवाल पूछना थी डॉक्टर साहब पूछो हाँ जी जरूर जी थोड़े सवाल नहीं बैठे जी टीवी दी आवाज है ना मैं माफ़ी चाहती हाँ जी, जो तुसी सानू कॉल करते होंदे आ ते तुसी प्लीज़ अपने टीवी सैट की आवाज़ घट रखिया करो तो जां तुसी उस कमरे चों उठ के बाहर आके साडे नाल गल कर लिया करो, क्योंकि तुहानू तुहाडे आवाज़ दे नाल नाल सानू तुहाडे टीवी की आवाज़ भी विच सुन रही हुंदी आ, सो काफ़ी डिस्टरबेंस हुंदी आ। सो तुसी सानू मुड़ तो कॉल कर सकदे हो। सो डॉक्टर साहब साडा जान दा भी वैसे समा हो गया, पता ही नहीं लगा एक घंटा किवें हो गया। और मैं चाहूँगी कि थोड़े जिहे घरेलू नुस्खे भी दस ही दो तुसी, क्योंकि वो सारे शुगर ते तुहानू घरेलू नुस्खे कुछ दस दे जिन्हां नूं शुगर होण वाली है या जिहड़े बॉर्डर लाइन ते समझदे ने या जिन्हां दे जेनेटिक्स च है वे या जिहड़े समझदे ने स्ट्रेस बहुत ज़्यादा। जी साडे कॉलर दी डॉक्टर साहब फेर तो दोबारा कॉल आ गई है। हाँ जी, जी आनू जी तुहानू। हाँ जी सत श्री अकाल जी। जी सत श्री अकाल जी। सब तो पहला बलविंदर जी तुहाडा प्रोग्राम सो नाइस फर्स्ट टाइम कॉलर। थैंक यू जी, मोस्ट वेलकम जी, थैंक यू जी। ते मेरा डॉक्टर साहब नूं क्वेश्चन है जी, लत्तां दे विच क्रैम्प्स हुंदियां इहदे बारे तुसीं अपना यूरिक एसिड चेक करवाया कदे? क्वेश्चन ओके वेरी गुड क्वेश्चन डॉक्टर साहब, ये क्या आपने पूछ लिया। थैंक यू जी, जरूर तुसीं सुनियो तुहानूं होर दस दे थोड़े जिहा की करना चाहिदा जी। यूरिक एसिड तां चलो ठीक आ, हां चेक करा लांगे, कोई इस तो इलावा कोई होर की प्लस ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਲਟੀਵਿਟਾਮਿਨ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਵਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਪਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਦੀ ਦਵਾਈ ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਓਲੀਵ ਆਇਲ ਪੀ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਵਰ ਹੋਏਗਾ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਚਮਚ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ओके डॉक्टर साहब थैंक यू बहुत मेहरबानी। थैंक यू जी, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। सो बिल्कुल जी, कई बार डॉक्टर जो वाकई तुसी क्लीनिक च जांदे आ, डॉक्टर नूं वैसे भी मिलण जांदे आ, भावें साडे फैमिली डॉक्टर ही होण, ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੂਰਿਕ ਐਸਿਡ ਕਰਾਇਆ, ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸਦੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਜਵਾਇਨ, ਕਲੌਂਜੀ ਤੇ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਬਰਾਬਰ ਮਿਕਦਾਰ ਚ ਪੀਸ ਕੇ, ਪੀਸਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰ ਚਾਰ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨੇ ਉਹਦੇ, ਤੋੜਨਾ। ਔਰ ਅਜਵਾਇਨ, ਕਲੌਂਜੀ ਔਰ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਬਰਾਬਰ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ ਪਾਊਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ क्वार्टर चम्मच सुबह तो क्वार्टर चम्मच शाम लेना शुरू कर दो पानी नाल, जस्ट नॉर्मल पानी नाल खाना खा के, तो तुहाडे तो शुगर थोड़ा थोड़ा दूर होना शुरू हो जाएगी। एक नुस्खा। दूसरा नुस्खा, अगर तुसी अजवाइन, मेथी दाना तो कलौंजी अद्धा अद्धा चम्मच रात को एक गिलास नॉर्मल पानी च डाल के रख दो, सुबह उठ के तुसी वो जस्ट पानी पी लो तो तुहाडे तो शुगर दूर होना शुरू हो जाएगी। तीसरा नुस्खा, अगर तुसी एक चुटकी कलौंजी दी सुबह नाश्ता करन लगे ब्रेकफास्ट तो पहला जस्ट एवें चबा के खा लो एक चुटकी, जिदे 10-15 दाने होन, इस तो ज़्यादा नहीं, चबा के खा लो और उपरों पानी पी लो, फिर बाद ब्रेकफास्ट कर लो, बेशक उदों ही कर लो, तो तुहाडे तो शुगर दूर होना शुरू हो जाएगी। ये नहीं कि कल नूं दूर हो जाएगी, स्लोली एंड ग्रैजुअली। ये उन्होंने लोगों को दस रहे हैं जोड़े शुगर के करीब हो रहे हैं या जिन्होंने प्री डायबिटिक कहा जाता है। चौथा नुस्खा, अगर तुसी एक चम्मच ओलिव ऑयल रात को तो एक चम्मच ओलिव ऑयल सुबह खाली पेट पीना शुरू कर दो। ये वो लोग जिन्होंने शुगर 9-10 रहती है और शुगर हो गई है तो उन्होंने शुगर स्लोली ग्रैजुअली घट होना शुरू हो जाएगी। जिन्होंने शुगर नहीं हुई और बॉर्डर लाइन पर है वो अद्धा चम्मच ओलिव ऑयल रात को पीना शुरू कर दें। ये चौथा पंजवां नुस्खा सी। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਆ ਜੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੀਸ ਫਿਸ਼ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਸਟ ਸਟੀਮ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਫਿਸ਼ ਆਇਲ ਓਮੇਗਾ 3 ਸ਼ੂਗਰ ਰੋਕਦਾ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਫਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੋ ਫਿਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੈਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਗਰ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗਰਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਨਟਸ ਨਾ ਖਾਣ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਕਿ ਨਟਸ ਵੀ ਖਾ ਲਈਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਜੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ बारे च कर दें। बिल्कुल जी, जो इंसान किसी दूसरे नाल गल करता है ना, वो समझता है कि सिर्फ मैं ठीक हाँ दूसरा गलत है जी। ये मैं भी करता, तुसी भी करते हो गए, कोई होर भी करता होगा, वो यही समझता मैं ठीक हाँ दूसरा गलत है, हालांकि उन्होंने अपना पता नहीं चल रहा होंगे कि कितने वो भी गलत होंगे। तो असी रात को जो सौन लगी ना तो असी अपन 10 मिसटेक्स गिन के तो फिर सोया करिए रात को कि अज पूरे दिन च मैं 10 मिसटेक्स किहड़ियां कीतियां मैं करता रोज़। फिर की करना चाहिए, फिर अगले दिन कोशिश करो कि वो 10 ना हो, 10 तो 0 हो जाए, नहीं तो 10 तो 9 जरूर हो जाए। अगले दिन एक मिसटेक घट करो, उदों अगले दिन एक घट करो, तो तुहानू 10 दिन चाहिए है सिर्फ अपन बुराइयां खत्म करने लई। अगर इस तरह ही रोज़ाना तुसीं रात को अपन गलतियां अपन बुराइयां अपनी या किसी ने ज्यादती की हो, किसी ने उच्चा बोलिया हो, डॉक्टर असें भी समटाइम लोग बहुत तंग कर देंगे ने, कई दफ़ा तो इन्ने कर देंगे ने कि गुस्सा आता है कई बार। तो मेरी भी बहुत क्लास लगती है डॉक्टर साहब, मेरा भी कुछ सोचो, लेकिन वो दूसरों का गुस्सा किसी दूसरे से निकल जाता है। तो असी रात को यह गिनीए कि मैं अज बलजिंदर से गुस्से होया सी, आई एम सॉरी बलजिंदर। रात को अपने दिल च सॉरी कर लो और सुबह उन्होंने कॉल करके सॉरी कर लो, तो ये जिंदगी बड़ी सुखी हो जाएगी। और जी भैन जी वो चलो जिदी भी गलती आप बहस नहीं करते, मेरी गलती है, मैं उन्होंने तो बाकायदा अपोलोजाइज करदा, सॉरी करदा, माफ़ी मंगदा। लेकिन अगर मेरे 50,000 पेशेंट है ना तो 49,990 पेशेंट मेरे तो बहुत हैप्पी ने, तो मैं इन्होंने भी हैप्पी रखना चाहना। तो फिर किसी दिन मेरे को टाइम लैके आन, मैं आप जाके डोर खोलांगा। सर क्या बात है डॉक्टर साहब, थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। तो बहुत सारे सूँ पूछ रहे फिर कदों आएंगे, तो जरूर असी जल्दी ही तुहानू फिर हाजिर करांगे जी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, सत श्री अकाल। थैंक यू बलजिंदर, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल जी, साड़ी कोशिश होंदी है कि असी तुहाडे तक अजिहे शो लैके आईए। बहुत सारिया कॉल्स आ रही ने, तुसी मैसेज कर रहे हो, तो जिहड़े मेरे जानकार ने मैनू परसनल मैसेज भी कर रहे हैगे आ। पर एक गल मैं जरूर कहांगी, तुहानू लिखण दी लोड़ नहीं कि तुसी कौन हैगे आ, क्योंकि असी तुहाडी प्राइवेसी नू हमेशा ही प्रायोरिटी दिंने आ। बहुत जरूरी आ साडे लई कि कोई सानू कहंदा कि मेरा नां ना मैंशन करियो, ते असी कदे भी नहीं करदे। सो जिन्ना तुसी साडे ते विश्वास करदे आ, उस तों ज़्यादा असी ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, क्योंकि ये ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਆ ना, ये ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਆ। सो सवेरे मैं खबरसार बिहाइंड द न्यूज़ 10 बजे तो लैके 11 बजे फिर ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੀ। खास शख्सियत होणगियां मेरे शो दे विच, ते बहुत ही वधिया गलबात ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। तद तक ਤੁਸੀਂ सारे रखियो ख्याल, देख रहे सारे परिवारां ਨੂੰ प्यार ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਹਿਤ, सत श्री अकाल जी।